सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको WFE 7 लोकोमोटिव के साथ टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। ये गाड़ी दिन में 2 बजे टाइम है, उनको 4 घंटा लेट, यानी 6:30 के आसपास ट्रेन अभी पहुँची। आगे में दोनों जनरल डब्बा है, उसके बाद स्लीपर है, और सबसे पीछे की ओर सारा का सारा एसी डब्बा है। मुझे पैसेंजर सब बहुत देर से इंतजार करते करते थक चुका था, फाइनली ट्रेन आ गया है। और बहुत भीड़ है, तो गया नहीं था, जितना खाली होगा गया नहीं खाली होगा। तो यही है ट्रेन का हाल। चलिए, अगर आप मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन गया जंक्शन से खुल चुकी है, टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। और ये तकरीबन 4 घंटा लेट है भाई, 4-4.5 घंटा लेट है। टाइम है 2 बजे आने का, और अभी 6:30-7 बजे के करीब आई है ये ट्रेन। तो गया जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर हो चुकी है ट्रेन, देख सकते हैं आप। देखिए, दोनों ट्रेन आपस में मेल कर चुकी है, और ये जो आ रही है ट्रेन दुर्गियाना एक्सप्रेस है, जो हावड़ा से खुल कर आती है धनबाद होते हुए, गया होते हुए आगे चल जाएगी। और हमारी ट्रेन और टाटा नगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस है, वो भी एक दूसरे से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जस्ट गया जंक्शन के थोड़ा आगे में, यानी आउटर पर इसको बोल सकते हैं। ये देखिए, गया का मानपुर वाला फल्गु नदी है, एक दो पार्ट में है। एक पार्ट देख रहे हैं सूखा हुआ होगा, दूसरा पार्ट में पानी होगा। और वैसे बिहार में उतना बारिश नहीं हो रहा है, इसके वजह से बहुत कम पानी है। देखिए, थोड़ा बहुत पानी आ गया है नदी में, ज़्यादा पानी तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत पानी आ गया। यही मानपुर का फल्गु नदी है, रबर डैम बनने से और पानी थोड़ा कम रहने लगा है। पार कर लिया है, अब इसके बाद पहुंचेगी मानपुर।